हाँ भाई जी, भाई तो आपके साथ क्या हुआ, कितनी लाठी खाया? मैंने एक लाठी खाए, एक लाठी मेरी मिस हो गई, वो पीछे का मटगार्ड रोक लिया, नहीं मैं दो लाठी बराबर पाता और एक लाठी जबरदस्त। तो आपको अगर जो लाठी पड़ी है उससे आपको क्या ज्ञान मिला? ज्ञान ये मिला कि कई दिन अंदर रहो आप। पीठ में पड़ा कि कमर के नीचे? मेरे पीठ में पड़ा भाई, अब काफी तेजी से पड़ा, बहुत दर्द है, 3 दिन में हल्दी लगाया हूँ और अभी तक दर्द बना हुआ। लोगों को क्या जागरूकता बताएंगे? राकेश कुमार गुप्ता जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको कुछ, इनको वो लाठी का वो असर पहुँच चुका है। वो सिलेंडर है सब अपने अपने घर में, वो काफी लाठी का प्रचार हो चुका है हमारी। नहीं तुमको कैसा लगा? हमको तो दर्द हुआ है। नाइट फिर उसके बाद अब हम नेट ज्ञान तुमको क्या मिला लाठी पड़ने से? फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम उस दिन से अब मास्क लगाने लगे हैं और चलते हैं तो अपना एजेंटी कार्ड वगैरह सब रख लेते हैं। तो एजेंटी कार्ड कौन सा है आपका? यूनो बैंक का? हाँ, जैसे खाता से पैसा निकालना पड़ता है रोज, रोज सबसे ज्यादा नहीं निकाल पाते हैं तो रोज जाना पड़ता हमको एटीएम, तो हो गया लगते हैं लाइन में। नेट कौन सी वाली लाठी पड़ी, प्लास्टिक वाली पड़ी है कि गेड़ा वाली? बांस की पड़ी है। बांस की कितनी मोटी रही? करीबन 1.25 इंच मोटी थी। तो भमा के मारे क्या सुबह? घुमा के मारे, भमा के तो नहीं मारे, घुमा के मारे। घर वाली उसको लगाई है तेल और हल्दी वल्दी? हल्दी वल्दी तो नहीं लगाए, शुरू दिन बर्फ से सिकाई किए हैं। घर वाली लगाई है और लील उपटाई थी भाई साहब। अभी भी दाग बना हुआ है, दर्द का महसूस अब कम समझ में आ रहा है। नहीं तो क्रोनो जितना नहीं फैला उतना लाठी फैल रही है ना। क्रोनो कहे से जाएगा? क्रोनो कहे से जाएगा? बस एक एक लाठी आप लेते जाइए। क्रोनो चला जाएगा? चला जाएगा, आप नियम उल्लंघन करिए, लाठी लीजिए पीठ में, साइड में।